So cash account debit to commission received account. Very good, very good. Cash account debit to commission received account. बिल्कुल सही बोला आपने. ठीक है. और कुछ बताइए. बाकी हो गया ना. चलिए. तो कौन कौन से दिए थे क्वेश्चन मैंने करने के लिए? क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री. थ्री तक दिए थे ना. चलिए, आज थोड़ा जर्नल एंट्री में ही कुछ चीज़ें अलग से हम लोग सीखेंगे और उसको समझेंगे और डायरेक्ट करने के कुछ टिप्स भी समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है. मनवीर आप हो? यस सर. जी. और चेतना? यस सर. होमवर्क किया बेटा आपने? कहीं डाउट कुछ ऐसा? नो सर. नहीं. मनवीर आपको कोई डाउट? नो सर. किया है कि नहीं किया है? यस सर. आज घर में पार्टी वार्टी हो रही है क्या? आवाज ज्यादा ही आ रही है. यस. चलिए कोई बात नहीं. स्टार्ट करते हैं जरा हम लोग. तो आज कुछ ट्रांजैक्शन मुझे आपको सिखाने हैं. ठीक है, उसके बारे में जरा देखते हैं क्या है वो ट्रांजैक्शन. देखिए हुआ क्या कि लास्ट क्लास में हमने परचेजेस के बारे में जाना. आज जो है ना हम लोग परचेजेस रिटर्न के बारे में जानेंगे. परचेजेस रिटर्न, फिर हम लोग बात करेंगे सेल्स की एंट्री क्या थी. तो उसके बाद आएंगे कि सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या है. सर क्वेश्चन थ्री में थे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. अच्छा थर्ड में थे. चलिए फिर आते थर्ड पे. थर्ड पे हमें जाना कि इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैपिटल लगाना, और बेटा यहाँ पे विड्रॉ करना. इसके अपोजिट चीजें हैं सब. फिर आते हैं फोर्थ पे. ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं परचेजेस की एंट्री. जब हम लोग करते तो क्या होगा, परचेज रिटर्न की क्या होंगी, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करने की एंट्री क्या क्या होंगी. तो क्या है पता है, जब परचेज करते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं कि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है. तो बेटा हम लोग लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू. ध्यान से देखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू. अगर मैंने कैश में परचेज किया तो मैं कैश लिखूंगा, क्रेडिट पे परचेज किया तो क्रेडिटर्स का नेम लिखूंगा. यहाँ पे क्रेडिटर्स का नेम आ जाएगा, जो भी क्रेडिटर होगा. बहुत सिंपल, क्रेडिट परचेज किया तो परचेज टू क्रेडिटर एक्स वाई जेड जो भी होगा वो लिख देंगे. कैश में परचेज किया तो परचेजेस टू कैश हो जाएगा. सर सेल्स में बेटा दो तरीके से सेल्स होती है, तो कैश में होगी या तो क्रेडिट होगी. जब क्रेडिट सेल होता तो उसे हम लोग डेटर्स कहते हैं. और टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं. कैश में सेल करेंगे तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, क्रेडिट में करेंगे तो डेटर टू सेल्स होगा, नेम होगा तो नेम लिख देंगे. यहाँ पे बहुत आसान है, दोनों की एंट्री सेम ही होती है. कैश में परचेज करने की भी एंट्री सेम है, क्रेडिट में भी वही एंट्री है. बस डिफरेंस क्या है कि कैश में परचेज किया तो कैश लिख दीजिए, क्रेडिट में परचेज किया तो उसका नेम आप लिख दीजिए जिससे आपने परचेज किया. सेल की एंट्री सेम है, कैश टू सेल्स होता है, कैश सेल्स से एंट्री करने की, और क्रेडिट में किया तो डेटर टू सेल्स हो जाएगा. ये हमारी एंट्रीज हो गई. अब आते हैं कि सर जब परचेज किया और रिटर्न आ जाए, क्योंकि हमने खरीदा था और हम वापस करने जा रहे हैं, तो ये एंट्री अपोजिट कर देंगे. बस आपने कैश में परचेज किया था तो आप एंट्री लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. और अगर क्रेडिटर्स यानी क्रेडिट पे परचेज किया था तो आप कैश की जगह यहां क्या लिख देंगे बेटा, क्रेडिटर्स.
डिफरेंस बस ये है कि परचेसेस की जगह एक वर्ड आप अलग से ऐड कर दीजिएगा, उसका नाम है परचेस रिटर्न, ऐसे लिखना है। ये रिवर्स ही किया हमने, बस अकाउंट हमने क्या बना दिया वहां पे, परचेस रिटर्न पहचान के लिए। अब ऐसी ये सेल्स है, इसको अपोजिट करना है तो आप ऊपर लिख देंगे सेल्स अकाउंट, नीचे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और नीचे लिख देंगे क्या जी डेटर्स अकाउंट। ऊपर क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट की बात, सेल्स नहीं रहा, अब ये वापस हो रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट, वेरी गुड। तो बहुत ही आसान है ये सेल्स रिटर्न पर, बच्चों से गलती बार बार होती है और उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अभी रुकते हैं इसको, आगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी प्रैक्टिस करवाऊं मैं। जैसे जी, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक एंट्री बनाता हूं कि भाई बॉट गुड्स फ्रॉम आमिर रुपीज 10,000, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। और इस फर्स्ट एंट्री के बाद मैंने इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो परचेज कर रहे हैं हम लोग, तो यहां लिखेंगे बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या लिख देंगे आमिर, क्योंकि क्रेडिट है, कैश होता तो टू कैश लिख देते, बहुत सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर, ये हो गया जी। अमाउंट कितना बेटा 10,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, देखो हमने लिखा गुड्स रिटर्न टू आमिर, गुड्स से पहले लिख देते 10% गुड्स रिटर्न टू आमिर, आमिर को हमने 10% गुड्स रिटर्न कर दिए। यहाँ पे देखो प्राइस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, जितना आपने परचेज किया था उसका 10% आप वापस कर रहे हो, और आपने क्रेडिट में परचेज किया था तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट की एंट्री हो रही होगी यहाँ पे भी, तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसका रिवर्स, परचेज रिटर्न है बेटा, इसका रिवर्स क्या एंट्री होगी सर, आमिर डेटर्स, आमिर ऐसे लिख सकते हैं डेबिट, डेटर्स नहीं डेबिट टू आमिर अकाउंट, ना 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 मिस्टेक हुआ बेटा, यस सर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, इसका अपोजिट करेंगे साथ में रिटर्न जोड़ देंगे, बहुत सिंपल, यस ठीक है कोई बात नहीं बेटा, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, वेरी गुड। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कितना 10%, तो 10,000 का 10% होता है बेटा 1,000, कितना सिंपल हो गया। तो ये तरीका है हमारा, एक बार हमें परचेज आया कि हमने परचेज रिटर्न की एंट्री सीख ली, सेल्स आएगा हम सेल्स रिटर्न की सीख लेंगे। अब आइए थर्ड एंट्री पे आते हैं, जिसमें मैं सेल्स के बारे में जिक्र करता हूँ कि भाई हमने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स टू विनोद रुपीज 10,000। अब सोल्ड गुड्स है बेटा, तो इसकी एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, सेल कर रहे हैं आप विनोद को तो एंट्री याद होनी चाहिए, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो सेल्स क्रेडिट है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट होगा ये लीजिए जी, सेल्स क्रेडिट है, इनकम है, और विनोद मेरा डेटर हो गया, ये मेरे लिए एसेट्स है, तो इसको हमने डेबिट कर दिया, विनोद डेबिट 10,000, यहाँ पे भी मैंने 10,000 लिख दिया। अब आए इसके फोर्थ पॉइंट पे, जिसने लिखा विनोद रिटर्न गुड्स, विनोद रिटर्न गुड्स रुपीज 5,000, 5,000 का विनोद सामान वापस करके चला गया, 5,000 का विनोद सामान वापस करके चला गया,
अच्छा जी, ये जो एंट्री करी इसको रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री क्या होगी, ऊपर चला जाएगा सेल्स, बस सेल्स के साथ एक वर्ड अटैच कर देंगे, वो होगा रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विनोद, अमाउंट जो बताया गया आपको 5000 वो आप लिख देंगे, बहुत सिंपल। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछिए, ये परचेज रिटर्न से रिलेटेड मैंने आपको एंट्रीज बता दी, परचेज से रिलेटेड परचेज हो गया और इसी में हमारा सेल्स भी हो गया बेटा, ठीक है। अब आते हैं डिस्काउंट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि डिस्काउंट्स वगैरह की अगर बातें होंगी तो सर उसकी जर्नल एंट्री वगैरह क्या होगी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सर एक बार पीछे कर दो, मैंने नोट नहीं किया। अच्छा ये लो बेटा कर लो नोट। तो अब हम लोग डिस्काउंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा बेझिझक, कहीं पे भी कोई इशू रहे, कोई भी तरीके की दिक्कत आ रही है आपको कहीं पे पढ़ने में, होमवर्क करने में, आप आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में भी आप क्लास के बाद बात कर लिया करें अगर आगे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपके लॉजिक से, आपको लगता नहीं सर यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, तो आप बताया करें, अपना व्यू रखेंगे तभी बेहतर सीख पाएंगे। ये नहीं कि अच्छा ये मैं भी तो यही सोच रहा था या मैं भी यही सोच रही थी, सही बोला सर ने, तो आप बोले अपनी बात को वहां पे रखें। जी मनवीर उतार लिया बेटा, नोट करा? यस सर, यस सर। और पता है मेरे को क्या लग रहा है, मैं सिर्फ स्पर्श को पढ़ा रहा हूँ, उसी को देख देख के पढ़ा रहा हूँ बस। चलिए अब आते हैं हम लोग डिस्काउंट्स की बात करते हैं, डिस्काउंट्स की तो कैसे होता है, डिस्काउंट की कहानी क्या है बेटा। एक होता है कैश डिस्काउंट्स, एक होता है जी कैश डिस्काउंट, और एक होता है क्रेडिट डिस्काउंट, ठीक है जी। कैश डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट्स जो है, या आप इसको कैश डिस्काउंट्स और क्रेडिट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स और एक ट्रांजेक्शन पे डिस्काउंट होता है बल्क का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं कैश डिस्काउंट्स की। कैश डिस्काउंट की कहानी पता क्या है, जब भी कहीं हमारा पैसा फंस जाता है ना, तो हम इसके पास जाते हैं कि तो भाई पैसे दे दो, वो कहता है जी पैसे नहीं है, तो कई बार हम उसे बोलते हैं यार चल ठीक है 10-20 रुपए छोड़ देना, पैसे दे रहे तो छोड़ दो उतना दे दो, तो वो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। जब पैसा मिलेगा या पैसा देंगे तो वहां पे जो डिस्काउंट्स का जिक्र होता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। पैसा लेते वक्त भी हो सकता है और पैसा देते वक्त भी हो सकता है ये चीज। तो कैश डिस्काउंट की कहानी ये है। अब आइए कैश डिस्काउंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैश डिस्काउंट क्या है। तो कैश डिस्काउंट्स ना बेटा हमारे लिए जी, कैश डिस्काउंट्स की एंट्री कैसे करेंगे, पहले ट्रांजेक्शन मैं लिखवाता हूं। जैसे मैं लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोहर रुपीज 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम मनोहर रुपीज 10,000, कैश हमें मिला है मनोहर से। चलिए यहाँ पे थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं मनवीर, अगर किसी से बेटा मेरे को ना कैश मिल रहा है, सुन रहे हैं बेटा? यस यस सर। तो बताइए डिस्काउंट वो देगा या डिस्काउंट मैं दूंगा, कौन देगा डिस्काउंट? सर मैं दूंगा। हम देंगे ना, अच्छा स्पर्श बताओ कौन देगा, अगर पैसा मुझे मिल रहा है कहीं से तो डिस्काउंट्स मैं दूंगा या वो देगा? हम देंगे, वेरी गुड। तो इस बात का ख्याल रखेंगे जब पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट हम देंगे, हमारे लिए नुकसान है उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज 1,000, ठीक है जी। अब इसमें आ गए तीन अकाउंट,
आपसे मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इसको हम छोड़ देते हैं, हम ना इतना तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि कैश रिसीव हुआ। स्पर्श मुझे बताओ बेटा, कैश रिसीव हुआ तो पैसा मेरे पास आएगा या जाएगा, क्या होगा? सर आएगा। आएगा, कैश आया है, डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट। डेबिट करोगे, वेरी गुड। तो एंट्री बताओ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा फ्रेंकली, यही होना ना? यस सर। वेरी गुड। तो आप बोल रहे हो एंट्री करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद पैसा जिससे मिला है बेटा वो कौन? वो है मनोहर। ये एंट्री हो गई यहाँ पे। इतनी बात हम पहले से जानते थे, अगर ये लाइन हमने नहीं पढ़ी होती तो हम ऐसे लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर। सही बोल रहा हूँ चेतना, समझ में आ रही बात आपको? ये कैश हमें रिसीव हुआ बेटा, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर। रीजन है तो मैं बताता हूँ आपको रीजन। देखिए, कैश मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स आएगा डेबिट कर देंगे। मनोहर मेरा एसेट्स रहा होगा तभी तो पैसे मांग रहे हम, वो पैसा दे रहा है तो एसेट्स कम हो रहा है, क्रेडिट हो गया। अब सवाल ये है कि सर ये भी तो लाइन है हमारे पास, अब इसका क्या करना है? बेटा डिस्काउंट्स हमने दिया, मुझे बताइए हमारे लिए फायदा है या नुकसान है अगर हम किसी को डिस्काउंट्स देंगे तो? लॉस है। लॉस है, वेरी गुड, लॉस है। तो लॉस है तो वो तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? नुकसान क्या होता है? जब भी नुकसान होता है बढ़ता है, पहले जो जीरो नुकसान था अब तो बढ़ गया, अब 1000 रुपए का नुकसान हो गया मेरे लिए। बताइए लॉसेस एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं उसे, डेबिट या क्रेडिट? क्या करते हैं चेतना? क्रेडिट। स्पर्श क्या करते हैं बेटा? डेबिट। डेबिट। ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। आप भूल गई बच्ची, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो सर डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 1000, कैश हमें रिसीव हुआ है टोटल 10000। इसका मतलब ये है कि मनोहर से अपने को लेने कितने थे? 11000। ऐसे करके लिखेंगे आप हमेशा, ये कैश और डिस्काउंट वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, उसको प्लस करेंगे, उसके बाद पार्टी के अकाउंट में हम लिखेंगे, ठीक है जी। सर एक और क्वेश्चन ऐसे तो हम खुद करना चाहते हैं, लो जी आप खुद करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुज ₹9800, डिस्काउंट अलाउड टू अनुज, अनुज को हमने डिस्काउंट दिया बेटा 200 का। इसकी जर्नल एंट्री खुद से करनी है आपने, इसकी जर्नल एंट्री आपने खुद से करनी है। देखिए टेंशन नहीं लेना है, आपने क्या करना है इसको हटा के जर्नल एंट्री हमेशा सोचना है, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। हमेशा इसके बारे में सोचना है, उसके बाद सोचना है कि क्या होगा। कैश रिसीव फ्रॉम अनुज, अच्छा सर कैश रिसीव है तो सर कैश तो एसेट्स होता है, और कैश एसेट्स है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे टू अनुज हम लिख देंगे जिस पार्टी से हमें पैसे मिले। सर डिस्काउंट्स भी तो है, ठीक है बेटा डिस्काउंट्स है तो डिस्काउंट के बारे में सोचें, एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है तो वो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। वैल्यू पहले कैश का लिख दीजिए 9800, फिर आप डिस्काउंट अलाउड का लिख दीजिए जी 200, फिर आप इन दोनों को टोटल कर दीजिए, वो हो जाएगा 10000। अच्छा सर अगर ये चेक रिसीव होता तब क्या करते? यहाँ कैश रिसीव है, इसकी जगह अगर कुछ बोलता चेक रिसीव, तो बेटा ये कैश की जगह ना फिर आप यहाँ पे क्या लिखते पता है? यहाँ पे आप लिख देते बैंक अकाउंट। चेक मिलेगा वो पैसा बैंक में जाएगा, ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो ये करेंगे। दूसरी बात, हमेशा इस बात की कसम खा ले, ठीक है, उसका तरीका ये कसम खाने का कि भाई कॉपी पे हाथ रखें और कसम खाएं कि ये जो कैश होगा, ये जो कैश होगा
और डिस्काउंट्स होगा हमेशा साथ में ही रहेगा, हमेशा कैश और डिस्काउंट्स क्या होते हैं, हमेशा साथ में रहते। अगर किसी भी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, वो वजह क्या होगी, हम पेमेंट करेंगे कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट्स भी क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये परछाई है, जहां जहां कैश जाएगा वहीं वहीं डिस्काउंट जाएगा। क्लियर, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, ये बाकी तो मैंने लॉजिकली आपको बता दिया कि कैश एसेट्स था बढ़ गया, डिस्काउंट नुकसान था बढ़ गया, ये लॉजिक है। तो अब याद करने का तरीका, जहां कैश है वहीं डिस्काउंट होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा अलग चीज दूंगा मैं आपको, थर्ड पॉइंट, कैश पेड टू मोहन रुपीस 10,000, कैश पेड टू मोहन रुपीस 10,000, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हिम रुपीज 1,000। अब देखिए कैश पेड लिखा हुआ बेटा, और यहां पे देखिए लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड। आप पता क्या बच्चे क्या गलती करते, वो देखते हैं डिस्काउंट अलाउड है इसका मतलब डेबिट होगा, नहीं बच्चे डिस्काउंट अलाउड नहीं है ये, ध्यान से देखिए डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, उसने हमें डिस्काउंट दिया इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव है, इसके लैंग्वेज का फर्क है उसने किस तरीके से लिखा है इसमें। अच्छा सर डिस्काउंट रिसीव है ये, तो कैश पेड हो रहा है तो कैश तो क्रेडिट होता है, हाँ जी कैश क्रेडिट होगा। किसको पेमेंट करा आपने, मोहन को, मोहन को हमने डेबिट कर दिया। सर डिस्काउंट का क्या करें, बेटा अभी बताया था कैश और डिस्काउंट्स हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो डिस्काउंट कहाँ आएगा, अगर मुझे डायरेक्ट पता करना हो डिस्काउंट कहाँ आएगा तो फटाक से मालूम कर लेंगे जी, डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा डिस्काउंट। और ये कौन सा वाला डिस्काउंट है बेटा, ये है रिसीव्ड वाला डिस्काउंट, रिसीव्ड अकाउंट, बहुत ही सिंपल। सर इसका लॉजिक बताइए, ये तो हमने आपने याद करवा दिया कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं, आप लॉजिक बताए। बेटा लॉजिक ये है कि डिस्काउंट मिलना हमारे लिए इनकम का पार्ट होता है, और इनकम हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ये लॉजिक हो गया। और सर लॉजिक याद ना रहे तो बस ये याद कर लेना, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं। सर अमाउंट अब कैसे लिखें, बेटा पहले कैश का लिखो कितना आपने पे किया 10,000, फिर आप डिस्काउंट का लिखो 1,000, बच्चे इसको टोटल करो, ये हो गया जी 11,000 रुपए। ये एंट्रीज बनेंगे आपके डिस्काउंट से रिलेटेड। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यस सर, है ना। चलिए और आगे आते हैं, अब चलते हैं आगे। ये हो गए, मैं बात कर रहा था कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब होगा, जब पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा। सर इसमें अगर क्वेश्चन में चेक रहता है, एक आध क्वेश्चन वो भी दिखाओ सर आप। लो बेटा मैं चेक का भी लिख के आपको दिखाता हूँ, अगर चेक होगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए चेक ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम अमर एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज 2,000। ये एंट्री आप पहले कीजिए और फिर मैं आप दोनों से पूछता हूं, कीजिए बेटा। मनवीर जागते रहना, अक्षता yes, आप भी बताते रहिएगा बेटा।
जी कर लिया, कर लिया आपने, ठीक है, एक मिनट में। हाँ जी, तो बताइए चेतना, क्या एंट्री बताई आपने, क्या करना है? बैंक अकाउंट टू डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउ टू डेबिट टू, ठीक है, बैंक में अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,000, और डिस्काउंट में? 2,000, और इसमें अमर में? 12,000। स्पर्श आपका भी आंसर यही है? यस सर। ठीक है, मनवीर आपका आंसर क्या है बेटा? यस सर। सर मेरा सेम है, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, और डिस्काउंट सर हमारा है सर 2,000, और जो उसके अकाउंट में है अमर के वो भी 10,000। ये डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे या रिसीव लिखेंगे? सर अलाउड। अलाउड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, यहाँ पे भी हमने ये कसम खा ली कि भाई जो भी पैसे का हिसाब किताब उसके साथ ही डिस्काउंट चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आए जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर 10,000, 2,000 and 12,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अमर 12,000, इस तरीके से आंसर्स होंगे। ठीक है सर, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां पे ना डिस्काउंट साफ साफ लिखा नहीं रहता, उसे ना हमें ढूंढना पड़ता है कि इसमें डिस्काउंट है या नहीं है। अब देखिए मैं लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, लाइन लिखी मैंने सोल्ड गुड्स टू विनोद रुपीज 10,000, और एक लाइन नीचे लिख रहा हूं मैं, आप ये नोट करके इसकी एंट्री कीजिए, मैं नीचे की लाइन लिख रहा हूं आपके लिए। ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, इसको ना आप 9,000 कर लें, थोड़ा बड़ा 9,000 कर लें। ये दो चीजें लिख दी। अब देखिए यहाँ पे सोल गुड्स टू विनोद है, इसकी एंट्री आप जानते हैं क्या होती है, सोल गुड्स टू विनोद जो है उसकी एंट्रीज आप जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहां लिखेंगे हम लोग विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 10,000 हो गया। अब विनोद पे हमारे बेटा 10,000 रुपए बाकी था, विनोद भाई ने बोला कि आप हमसे ना 9,000 ले जाइए, और वो भी फुल सेटलमेंट, जब भी फुल सेटलमेंट कहीं पे भी आ जाए पूरे अकाउंट्स में 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में, तो आप समझ ले वहां कहीं ना कहीं तो डिस्काउंट्स की बात चल रही है, चाहे वो लेने की बात हो रही हो या डिस्काउंट देने की बात हो रही है, लेकिन डिस्काउंट्स है वहां पे, हिडन है। तो जब फुल सेटलमेंट हो गया या सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपए विनोद पे बाकी थे, विनोद भाई साहब हमें सिर्फ 9,000 रुपए ही दे रहे हैं, बाकी का पैसा कह रहे जी माफ कर दीजिए अब नहीं मिल सकता, अब हम हाथ खड़ा करते, अब हमारे पास कुछ नहीं है, वो सेटलमेंट हो गया। तो हमारे लिए जिसको पैसा मिलना है उसके लिए आप समझ सकते हैं डिस्काउंट है, वो दे रहा है डिस्काउंट,
तो यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हुआ है तो ये हिडन है बेटा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं लिखते। तो यहाँ पे आते हैं कि रिसीव फ्रॉम विनोद की एंट्री हम क्या करें, तो हम लिखेंगे भाई कैश हमें मिला, तो हमने लिखा जी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी है और हमने जाना है कि कैश के साथ साथ डिस्काउंट रहता है हमेशा, तो यहाँ पे ही डिस्काउंट आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सर अलाउड क्यों बेटा, डेबिट अगर डिस्काउंट आ रहा है इसका मतलब अलाउ है, क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब रिसीव है, और टू विनोद कर देंगे। अच्छा सर ऐसा, हाँ जी बेटा ये 9000 है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आप पता लगाइए, उससे आपको लेने थे 10,000 और कितना दिया उसने 9,000, कितने रह गए 1,000 टोटल। अब करिए, मैंने आपको पहले ही बताया था इन दोनों की वैल्यू लिखने के बाद ही टोटल करेंगे आप, उसके बाद ही विनोद में लिखेंगे हम 10,000। तो ये हिडन था हमारे लिए जिसको हमें पहचानना था, ऐसी रिसीव में है तो ऐसी पेमेंट में भी हो सकता है। अच्छा सर मान लेते हैं कि फुल सेटलमेंट नहीं होता तब क्या होता, चलिए जी मैं वो भी दिखा देता हूँ। मान लो ये सेम क्वेश्चन है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम विनोद ओनली, ऐसे लिख दिया विनोद ₹9,000, भाई विनोद से लेने 10,000 थे, विनोद दे कितना रहा है सिर्फ 9,000। सर 1,000 का डिस्काउंट है क्या? नहीं बेटा यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। सर मालूम कैसे चला? बेटा यहाँ सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ सेटलमेंट होता तो यहाँ पे डिस्काउंट होता, यहाँ सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये बात थी, हाँ जी आइए तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, सिंपल सी बात लिख देंगे। ओके सर मोगैम्बो खुश हुआ, ये लो इतना लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। बताइए आपको अच्छे से बात समझ में आ गई है? yes. मनवीर बेटा आपको, अक्षिता yes, sir. अब आते हैं, ये डिस्काउंट हमने कवर कर लिया, डिस्काउंट की चीजें हमारी कवर हो गई, जितनी भी टाइप के डिस्काउंट से मैं आपको बता चुका, सिर्फ एक मैंने ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र अभी नहीं किया है। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जिसको अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता, दिखाया मतलब उसकी एंट्री नहीं की जाती है, कैलकुलेशन करी जाती है लेकिन उसकी एंट्रीज नहीं की जाती। अच्छा सर ऐसा होता है, हाँ जी तो देखिए बेटा क्या होगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट वाली सिचुएशन में, तो यहां पे लिखता हूं मैं सोल्ड गुड्स टू अनुज ₹1,00,000 एट 25% ट्रेड 25% ट्रेड डिस्काउंट, मैंने ये लिख दिया। यहां पे क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे कोई पैसा रिसीव करने की बात नहीं हो रही, ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जैसे आपने आपने कभी सामान खरीदा हो 4 के साथ 1 फ्री, 10,000 के परचेज पे ₹200 का और सामान फ्री, ठीक है, या 1,00,000 का आप खरीदेंगी तो 20% फ्री, ठीक है। ये जो डिस्काउंट्स है वो दिए जाते हैं इस नियत से कि उनका सेल्स बढ़े, सेल की वजह से कि भाई आप 1,00,000 का खरीदेंगे ना आपको 25% डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर 1,00,000 का परचेज करने की कोशिश करेगा, 4 के साथ 1 फ्री है तो कस्टमर सोचेगा कि 4 ही लेते हैं या चलो 1 फ्री तो आएगा ना, 3 लेके क्या करेंगे। वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ये डिस्काउंट दिए जाते हैं और इसकी अकाउंटिंग नहीं होती। और जो कैश डिस्काउंट था उसका मकसद था कि जल्दी से पैसे निकाल लें, तो हमने बोला चल ठीक है ₹500 रख लो, ₹1,000 रख लो, बाकी पैसे तो दे दो, वो कैश डिस्काउंट है।
इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी एंट्री होती है जो करनी है हमें, सोल्ड गुड्स टू अनुज, तो हम वही एंट्री करेंगे जो नॉर्मल होनी चाहिए थी। यहां लिखेंगे अनुज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अनुज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1 लाख का 25% कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस करने बाद 75,000। मुझे उम्मीद है कि आप डिस्काउंट को कैलकुलेट कर ही लेंगे, 25%, इसे कहते हैं। सर तो फिर हमें अब 1 लाख कहीं पे नहीं लिखना? नहीं बेटा, उसको लिखना ही नहीं, उसको रिकॉर्ड करके दिखाना ही नहीं है। एक्चुअल में वो चीज तो हमारे लिए इतनी की ही पड़ी ना। यस सर। तो इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे यहाँ पे। ये ट्रेड डिस्काउंट के केस में आपको ऐसे करना है कि सिर्फ माइनस करके वैल्यू को लिख देना और कुछ नहीं करना, ठीक है? सेटलमेंट के केस आपको मैं समझा चुका हूँ। सर बुक में जो सोल्ड एग्जांपल्स हैं, हाँ, उनमें हर एक जनरल एंट्री के बाद ब्रैकेट में एक लाइन और लिखी है। बेटा वो डेबिट में नहीं, वो नरेशन कहते हैं उसे, क्रेडिट के बाद जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना। यस सर। हाँ वो मैं अभी फॉर्मेट में आपको बताया नहीं ना, फॉर्मेट तो बताऊं, मैं तो एंट्री सिखाने में लगा हूँ अभी। फॉर्मेट तो 2 मिनट का काम है, हर क्वेश्चन में आपको नरेशन लिखनी होती है। यहाँ पे डेट का कॉलम है, LF का कॉलम है, लेजर फोलियो है, ये सब चीजें भी आती हैं, तो उतना उस पर फोकस नहीं, वो तो 2 मिनट का काम है, आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज है हमें ये समझना कि हम एंट्रीज कर पाएंगे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है? चलिए जी, तो यहाँ तक की बात तो हमारी हो गई, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, फुल सेटलमेंट की, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि सर कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि हम तो सामान ले गए, जैसे मैं आपसे बोलूं, आप मुझे लॉजिकली बताइएगा, स्पर्श बताना, मैं एक दुकान पे गया और उसने बोला कि ऐसा करे भाई साहब, 3 कोल्ड ड्रिंक के साथ 1 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फ्री है। मैंने बोला जी ठीक है दे दीजिए। 4 बॉटल लिए, 3 के पेमेंट करा, पेमेंट तो 3 का ही किया होगा ना। लेके घर में कितना आया? 4 बॉटल। घर वालों ने 1 बॉटल पी लिया और बोला उसके बाद सही नहीं है, वापस करके आओ। मैं दुकान पे गया, मैंने बोला भाई साहब देखो 3 के पैसे दिए थे मैंने आपको, 3 बॉटल आपको वापस कर रहा हूँ, क्या वो मानेगा? वो बोलेगा हाँ जी फ्री वाला पी के कोई बात नहीं, चलो। ऐसा होता है? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो उसे क्या चाहिए? 4 का 4 वापस चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसे ही जब हम सेल करेंगे और कोई रिटर्न करके आएगा, ठीक है, तो रिटर्न का हिसाब भी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और दुकानदार ये भी नहीं कह सकता कि भाई साहब मैंने 4 दिए थे और 4 की जो कीमत थी ना, वो 1 बॉटल अगर 20 रुपए की थी तो 4 की कीमत ना 80 रुपए हो गया, आप 80 रुपए, आप तो मुझे 60 दे के गए थे, और कस्टमर बोल रहा मुझे 80 दो, मैंने तो 4 वापस करे, ये भी नहीं चलेगा। कस्टमर जो है वो 3 बॉटल के ही तो पैसे दिया था, उसको 60 रुपए ही हाथ में वापस मिलेंगे, हिसाब इसी पे किया जाएगा, क्लियर है? तो इस बात को लॉजिकली समझे, ये कॉमन सेंस है, ठीक है? अब आते हैं वापस कि सर ऐसा क्वेश्चन आप हमें भी तो बताएं तो पहले, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। लीजिए जी, मैं यहां लिखता हूं, अनुज रिटर्न द गुड्स, अनुज रिटर्न द गुड्स ऑफ, रिटर्न द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। अनुज जो है 50,000 रुपये जिसकी कीमत थी उस सामान को वो वापस कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो सामान हम खरीदने गए थे उसकी एक्चुअल कीमत कितने की थी बेटा, बेच रहे थे 1 लाख, इसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। फिर डिस्काउंट के बाद वो सेलिंग प्राइस हमारा आया, अब वो वापस करने आया, बोला भाई साहब 50,000 रुपये का सामान आप रख लो, तो क्या हम पूरा 50,000 उसे वापस करें क्या? हाथ में उसके 50,000 रुपये देंगे, ज्यादा देंगे या कम देंगे, ये बताइए मुझे, इस पर पहले आप बताएं। सर 50,000 को 25%, सिर्फ 25% उसके हाथ में दे, 25% माइनस करके। अच्छा चेतना आप बताएं। सर
समझ में आया बेटा ये कहानी समझ में आई? यस सर। ठीक, तो मुझे बताइए जो वापस हम लोग वो वापस करके आया हमारे पास, अब हम दुकान पे बैठे हुए हैं, हमें उसको पैसे वापस करने हैं गल्ले से, तो क्या करूं मैं? क्योंकि वो सामान वापस कर दे रहा है, 50,000 रुपए का सामान है, तो मैं 50,000 रुपए वापस दे दूं या कुछ और दूं? उसका 25% ही देंगे या 25% नहीं देंगे, क्या है? देंगे। सिर्फ 25%? यस। ओके, मनवीर बताएं बेटा। 25%। अक्षिता? सर 25%। ओके, ये 25% क्यों बोल रहे हैं आप? चेतना आपने क्यों बोला बच्ची ये 25%? ये तो डिस्काउंट था। अगर उसने 1,00,000 का सामान दिया था, आपने 25% डिस्काउंट काटने के बाद उससे पैसे लिए थे। ऐसे ही उसने 50,000 का सामान आपसे लिया होता तो आप 50,000 के 25% माइनस करके उससे पैसा लेते। तो आज वो आपको 50,000 वापस करने आया सामान 50,000 का, तो आप बोलोगे 25% तो डिस्काउंट था, इसका पैसा तो आपने दिया ही नहीं था, समझे? तो 25% माइनस होके देंगे। अच्छा, अजान हो रही है, मैं आपसे बात करता हूँ, दोनों एंट्री लिख देता हूँ, आप देखिएगा। Is 5,000 hmm. And goods are sold at profit of 25% of cost. अच्छा ठीक है. Of cost 40% claim and received in a cash. Okay, ये ना थोड़ा सा ये हो गया, पहले तो उसको आग लग गई है ना सर. ठीक है, आग लग गई ना, उसकी दो कीमत थी, एक मार्केट वैल्यू थी यानी सेल्स प्राइस था, एक कॉस्ट प्राइस था. सेल्स प्राइस बताएं सर 5,000. कॉस्ट प्राइस बताइए सर. प्रॉफिट ऑफ 25% एंड कॉस्ट ऑफ 40%. नहीं नहीं नहीं, इफ ये आपने लाइन मिक्स कर दिया आपने. प्रॉफिट कितना परसेंट बेटा? 25%. हाँ, तो 5,000 का 25%, ये था 5,000 का. ठीक है, कॉस्ट आपने कॉस्ट बताया था ना 5,000. यस सर. ठीक है, इसका 25% होता है 5,000 रुपए का, हम 25% निकाल रहे हैं. ये लेगी 1/4. ठीक है, तो ये 1,250 आ जाएगा, तो ये हो गया 6,250 रुपए सेलिंग प्राइस इसकी. अब इसे आग लग जाए, क्लियर? आग लगने के बाद आप कह रहे हैं कि उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री में अमाउंट ना बेटा ये वाला लिखा जाएगा आग लगने के टाइम पे. ओके सर. समझ में आई बात? नुकसान देखिए होता क्या है कि अब एक दुकानदार है, वो 5,000 का कोई सामान लेके आया, अब वो नुकसान हो गया, उसका चूहा खा के चला गया वो सामान, तो अब वो अगर सीना पीट रहा है, रो रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, तो लोग पूछेंगे ना कितने का नुकसान हुआ. वो कह रहा है जी 5,00,000 का हो गया. लोगों ने पूछा कैसे? कह रहा है ये 5,000 का सामान ना मैं 5,00,000 में बेच देता. भाई उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका ये फ्यूचर में कितना बिक सकता है, ये भी तो हो सकता था नहीं बिकता.
सेल कितने का होता है इससे कोई प्रॉब्लम वो नहीं है हमें, खरीदा कितने का है वो एक्चुअल नुकसान है। तो लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज अ सैंपल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के तौर पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हर जगह पे किसको लिखेंगे, कॉस्ट को लिखेंगे। फिर आग लग जाने से इंश्योरेंस कंपनी वाला क्लेम भी देखे गया है, देखे गया ना सर? यस सर। हाँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी तो हम परचेज सेल्स पे अटके हुए हैं, हम आगे yes. चलेंगे तो उसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, जैसे आज डिस्काउंट्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं वैसे करेंगे। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हाँ कॉस्ट 40% क्लेम्ड इज रिसीव्ड इन कैश। हाँ वही तो, इंश्योरेंस करवा रखा होगा हमने उसका, ठीक है यस yes. तो देखो ऐसे हो गया वो, जब हमने सामान हमारा नुकसान हुआ तो हमने ऐसे लिखा लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, नुकसान होता है तो ये लिखते हैं, और सामान जब नुकसान होता है तो टू परचेजेस लिखाता है बेटा, स्टॉक कम होता है ना परचेजेस, अभी मैंने सिखाया नहीं है टॉपिक आपको, तो यहाँ पे आया 5000 आया। अब इंश्योरेंस वाला कह रहा है कि जितना आपने नुकसान है ना उसका सिर्फ 25% हम आपको देंगे, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि भैया इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें तो हमारे को पूरे के पूरे 5000 रुपए दे दो, हमें पूरे 5000 रुपए दे दो। उसने बोला किस बात की? मैंने आग लग गए उस बात के 5000 रुपए दो। उसने बोला भाई ये पॉसिबल नहीं, मैं 5 नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 25% दूंगा, यानी 25000 का 25% ही देने को तैयार है, वो वैल्यू आप इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे लिखते, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? चलो यस ठीक। अब बात कर रहे थे हम लोग बेटा डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे थे, डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट है, दूसरा क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। तो अब दोनों साथ में आ जाए तब क्या करेंगे? तो बेटा पहले हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस, और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की कंडीशन है अगर पैसा मिल रहा है तो माइनस होगा, वरना माइनस नहीं होगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो परचेज हो या सेल हो अगर दे रखा है तो माइनस करना ही करना है आपने, ठीक है जी? फिर से वापस आते हैं, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रिलेट करता है, पैसा आया होगा या पैसा गया होगा तब होता है। ट्रेड डिस्काउंट ओनली मतलब सिर्फ कैश से मतलब नहीं रखता, उसको सेल और परचेज से मतलब है, सेल हो या परचेज हो जहां ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस आपको करना पड़ेगा। बताइए अभी तक की सारी बातें समझ में आई? मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? और मनवीर जो ये लॉस बाय फायर है अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, वहीं तक पहुंच जाएंगे, परचेजेस के बाद हमें वहीं पहुंचना है, उसको yes, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? आप मेरी तरफ से आज होमवर्क कुछ लिख लें जो मैं आपके बता दूं कि बुक में से कौन कौन सा आपको करना है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, मैंने 1, 2, 3 दिया था लेकिन थर्ड के बारे में मैंने बहुत कुछ सिखाया नहीं था, जो कि आज मैंने सिखाया है थर्ड, ठीक है? चलिए तो होमवर्क आप लिख लें, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप पढ़ के एक बार चेक करके देखें कि यही क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से 4, 5 हाँ जी 5 5 के बाद आ जाइए 6 पे, सिक्स के बाद आ जाए बेटा 7। ये सारे क्वेश्चन डिस्काउंट्स वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसी के क्वेश्चन है ये, ठीक है? 8 से वो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ जो नहीं करना है, तो उससे आप पता लगा लेंगे उससे पीछे का क्या था। प्रिपेयर जर्नल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजा राम, क्या यही है राजा राम वाला 8? यस सर। यस ठीक। तो राजा राम से पहले वाले जितने क्वेश्चन आप करेंगे